मेरे मालिक, कहाँ चली गई वो पेंटिंग? क्यों हर बार मैं मंजिल के पास आकर उससे दूर चली जाती हूँ? मदद कर मेरे मालिक। नसरीन, तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। अरे एक बार देख तो लो, शायद ये तोहफा तुम्हें बहुत पसंद आया। बहुत शिद्दत से तुम्हें इस तोहफे का इंतजार था। ये डिवोर्स पेपर्स है। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। वो रिश्ता जो खुशी ना दे, उसे जुड़े रखने का कोई मतलब नहीं बनता नसरीन। शुरू में मुझे लगता था कि ये तुम्हारा गुस्सा है, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का खत्ते इल्म नहीं था कि मेरे साथ रह के तुम्हारा दम घुटता है। मैं ऐसा नहीं चाहता नसरीन। मैंने हमेशा तुम्हें खुशियां देनी चाहिए, और जब मुझे पता चला कि मुझसे तलाक ही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी है, तो दिल पे पत्थर रख के मैं तुम्हें वो खुशी भी देने को तैयार हूं। उन पेपर से मैंने साइन कर दिए हैं, तुम भी कर दो। आज से तुम आजाद हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से आजाद नहीं होने दूंगी मजर। बहुत शौक है ना तुम्हें फरिश्ता और मसीहा बनने का? मुझसे शादी की तो मेरे माँ बाप के लिए तुम फरिश्ता बन गए। तुम पे इतने जुल्म किए मैंने, तुम्हारी बेइज्जती करी बार बार, तो मेरी सहेली के लिए तुम फरिश्ता बन गए। मजर तुम फरिश्ता नहीं, शैतान हो, मेरी खुशियां लूटने वाले शैतान। अगर मेरी नजर में फरिश्ता बनना है ना, तो लौटा दो मेरी मोहब्बत, ले आओ सलमान को मेरी जिंदगी में वापस, तब मैं तुम्हें फरिश्ता मान लूंगी और इन पेपर्स पे साइन भी कर दूंगी। ये लीजिए अथॉरिटी पेपर विद सिग्नेचर। अब ठीक है, अथॉरिटी लेटर भी मिल गए, सिग्नेचर भी मिल गए। अब आप उनका लॉकर खोल सकती है। उनका लॉकर नंबर 503 है। थैंक यू वेरी मच। अपने महबूब को खुश रखना कितना मुश्किल होता है, इसका एहसास मुझे तुमसे मोहब्बत करके हुआ है नसरीन। तुमने मांगी भी तो वो खुशी जो मेरे दिल के हजार टुकड़े कर दे। खैर, अगर तुम्हारी खुशी सलमान है तो मैं उसे भी तुम्हारी जिंदगी में वापस लाऊंगा। मेरे सब्र की हद तो तुमने देख ली नसरीन, अब मैं तुम्हारे जुल्म की हद देखना चाहता हूँ। एक बात याद रखना मजर, तुम्हें मेरे अब्बू ने कबूल किया है और मैंने अपने अब्बू के फैसले को, ना तो मैंने तुमसे कभी प्यार किया और ना अपनी मर्जी से शादी की, इसलिए तुम जियो या मरो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो मैंने तुमसे कभी प्यार किया और ना अपनी मर्जी से शादी की, इसलिए तुम जियो या मरो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जग सुना सुना है तो
सिसक सिसक के हवाएं जग सुना लगे चन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे छिन छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लगे जग सुना सुना लगे रे बर्थडे डियर हया फ्रॉम योर फादर Certificate of birth. Name, Haya Khan. Father's name. Ya Allah. ये नाम ही मिट गया. मेरी हर कोशिश बेकार हो गई. मुझे लगा इस लॉकर से ऐसा कोई सबूत मिल जाएगा जिससे मैं हाया की हकीकत जाहिर कर सकूंगी. मगर यह तो इसके पूरे घर ने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों? क्या रिश्ता है इस लड़की हाया का इस घर से? क्यों उसके वजूद से ना वाकिफ है सब लोग? क्यों अजान मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहते? मैं आ रही हूँ अजान, आज आपको मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा. क्या हुआ भाईजान, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं. मजर, तुम्हें पता है कि आफरीन कहाँ है? सुबह से उसे फोन लगा रहा हूँ मगर फोन नहीं लग रहा है. अजीब मुसीबत में फंसा दिया तुम लोगों ने. हर वक्त यही डर लगा रहता है कि आफरीन को हया के बारे में ना पता चल जाए. समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए. डर तो मुझे भी लगा रहता है
आज कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक भाभी जान ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, और ये बहुत ही अजीब सी बात है भाईजान। अरे कमाल है, तुम दोनों दरवाजा बंद करके अंदर क्या कर रहे हो? बातें अम्मी। भाईजान मुझे नए प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे थे। अरे बेटा, मजर को नए प्रोजेक्ट के बारे में बाद में समझा देना, अभी उसे ये समझाओ कि तुम्हारे बेटे के नाम रखने की खुशी में आज रात जो दावत है ना, उसकी क्या क्या तैयारियां करनी है। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब तक खान फैमिली में जितनी भी पार्टीज हुई है ना, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मुझे तुम पे पूरा यकीन है बेटा। और सुनो, दोनों इकट्ठे बैठ के लिस्ट बनाना और फिर मुझे देना, मैं उसे चेक करूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मुझे यकीन है बेटा। क्या है आपकी बेटी? हाँ, झूठ झूठ बोल रही है आप। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ आफरीन। मैं फिर भी नहीं मान सकती कि हया आपकी बेटी है। आफरीन, तुम्हारे मानने या ना मानने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी ना। ये कैसी हकीकत है कि पूरा घर मुझसे छुपाने में लगा हुआ है, चाहे वो मजर हो या अजान। ये तुम्हारा वहम है। नहीं खाला, आप खुद गवाह हैं कि मेरा वहम अक्सर सच हुआ है। आते ना आपको सबको लगा था कि वो मेरा वहम है, लेकिन वो वैसा ही निकला जैसे मैंने उसे समझा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि किसी और के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए आप अपनी कुर्बानी दे रही हैं। तुम्हारा वहम हो या यकीन, इस बात दोनों गलत होंगे। ये तो अच्छा हुआ आफरीन कि मैंने तुम्हें फोटो के साथ देख लिया, वरना वैसे तो मैं बुजुर्गों की बातों पर आंखें बंद कर यकीन कर लेती हूँ, मगर आज ना मेरा दिल और ना ही मेरे आंखें आपकी दलीलों पर यकीन करने के लिए तैयार है। अगर हया आपकी बेटी है तो सबसे छुपाने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं आप सबको बताती कि हया आपकी बेटी है? क्यों आपकी बेटी कबीर से इतनी मोहब्बत और अजान से नफरत करती है? क्यों मजर इस बात को छुपाने में आपका साथ दे रहा है? है कोई जवाब आपके पास मेरे सवालों का? So cute. सच बेटा, सिर्फ एक बच्चे के घर में आ जाने से घर का माहौल कितना खुशगवार हो गया है ना। ये बच्चा नहीं, खुशियों का पैगाम है ये। बान अली, सब काम खत्म, ये कहाँ चला गया? या अल्लाह, इस घर के लोगों को देखा है, जहाँ जाओ सब बैठे हुए हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है कि घर में काम हो रहा है या नहीं। मामला बहुत गर्म है, मैं चलता हूँ। अब आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आपसे पूछने आ रहा था कि बेगम अगर कोई काम है तो मुझे बताइए, मैं कहाँ जाऊंगा, आप ही के पास आ रहा था। बेगम बेगम आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, बैठी 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 आराम से बैठिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सारा काम हो जाएगा। आप जूस पीजिए बेटा। अम्मी जूस, मैंगो जूस। अब इतनी देर से आपने कुछ नहीं खाया भैया, अब ऐसा करेंगी तो तबीयत फिर से खराब हो जाएगी ना। ये ले लीजिए, ये लीजिए। नाज बेटा जी, जल्दी जाके तैयार हो जा, बच्चे का नाम तुम्हें नहीं रखना है ना। सच? हाँ, फिर तो मैं अभी जाकर तैयार होती हूँ। नाज बेटा सुनो, सारा दिमाग तैयार होने में खर्च मत कर देना, थोड़ा सा दिमाग वो क्या कहते हैं, वो बच्चे का नाम रखते वक्त जो रस्में होती हैं, उसे याद रखने के लिए बचा के रखना। ओके, आखिर बेटा
बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे का भी तो नाम रखना पड़ेगा हमें। एक तरफ तो हया का कमजोर दिमाग, ऊपर से ये समाज के ताने, इन दोनों बातों ने मिलकर कभी भी उसे माशरे का हिस्सा नहीं बनने दिया। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें ये लगता है कि मैं झूठी हूँ, तो तुम ही बताओ कि मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? यकीन दिलाया नहीं जाता खाला, वो तो हो जाता है। जो जितना यकीन दिलाने की कोशिश करता है ना, वो उतना ही झूठ बोल रहा होता है। तुम सही कह रही हो आफरीन, यकीन दिलाया नहीं जाता, हो जाता है। लेकिन तुम ना समझ बच्चों को यकीन दिलाना पड़ता है, क्योंकि माँ की बातों को समझने की अकल तुम में नहीं। एक तन्हा औरत का दर्द तुम क्या जानो आफरीन, जो अपनी मालिकों की मदद से अपनी पागल बेटी को एक मकाम, अच्छी परवरिश और तालीम दिलाने की जद्दोजहद में लगी। मैंने अपनी हया को हर वो चीज देने की कोशिश की जो एक माँ अपनी बेटी को देना चाहती है, लेकिन इस माशरे ने उसे कभी भी कबूल नहीं किया, हमेशा उसका मजाक उड़ाया, उसको ताने मारे। एक तरफ तो हया का कमजोर दिमाग, ऊपर से ये समाज के ताने, इन दोनों बातों ने मिलकर कभी भी उसे माशरे का हिस्सा नहीं बनने दिया। आखिरकार मुझे मजबूर होकर अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ा और अपने जिगर के टुकड़े को मैंने पागल खाने भेज दिया मजर और हजार की मदद से, और सबको बता दिया कि हया कहीं गुम हो गई। तब से लेके आज तक मैं इस राज को अपने सीने में छुपाए फिर रही। मैंने ही अजान से कहा था कि तुम्हें कुछ ना बता, कुछ ना पता। ठीक है, आपकी बात में कितना दम है ये तब साबित होगा जब आप वो देखेंगी जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। चलिए मेरे साथ।